अहमदाबाद एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं है पास्ट में। तो अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है तो आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हो। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो वीज़ा और लेवल का बोर्ड यहाँ पे मारा हुआ है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ कि अगर आपको MRT से जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको टिकट लेने के लिए ऐसे मशीन भी मिल जाएंगे। तो ऐसी कुछ इनकी MRT की टिकट आती है। देखो अब यहाँ पे अपनी ट्रेन आ गई है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त रुत व्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स सीन कुछ ऐसा है कि अभी थोड़े दिन पहले ही मैं इंडिया में आया था। मेरे साले साहब की शादी थी इसलिए, तो अभी शादी वगैरह हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ वापस बैंकॉक। जैसे कि आप लोग सब जानते ही होंगे कि मैं जो है वो बैंकॉक में रहता हूँ। तो इस बार जो है मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए निकल रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये है पूरा अहमदाबाद एयरपोर्ट। तभी यहाँ पे आए तभी भी बैंकॉक से डायरेक्ट अहमदाबाद ही आए थे और फिर इधर से गांव गए थे, क्योंकि हमारा गांव जो है वो अहमदाबाद से नज़दीक होता है। हमारा यानी मेरा और मेरी वाइफ का गांव। तो शादी वहाँ पे थी मेरे वाइफ की, यहाँ पे मेरे साले की शादी थी इसलिए हम लोग वहाँ पे गए थे। तो आपने मेरी स्टोरी वगैरह तो देखा ही होगा इंस्टाग्राम पर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो अभी तक नहीं करते हो तो जाओ जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mr_007। आज जो है मेरी फ़्लाइट 1 बजे की है यहाँ पे अहमदाबाद से बैंकॉक की, लेकिन मैं जो है यहाँ पे 6:30 बजे ही पहुँच गया हूँ, क्योंकि मेरे को जो है वहाँ से राजकोट जाना था। राजकोट से फिर ट्रेन में अहमदाबाद आना था। तो ट्रेन का जो टाइमिंग था वो सेट नहीं हो पा रहा था, तो 4-5 घंटे का गैप हो रहा था, तो इसलिए जल्दी आ गया। मैंने बोला यहाँ पे वेट कर लेंगे और जल्दी आना बेहतर है लेट होने से, तो इसलिए जल्दी आ गया हूँ। वैसे भी अहमदाबाद एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं है पास्ट में, इसलिए जो है मैं जल्दी आ गया हूँ इस बार। एक बार 2019 में मैं यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट से बैंकॉक फ्लाई करने के लिए निकला था और तभी कुछ रीज़न की वजह से जो है मैं फ़्लाई नहीं कर पाया। मेरे को अलाउ नहीं किया, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में जो है वो पीछे की साइड टेप लगा हुआ था और SpiceJet की मेरी फ़्लाइट थी। तो उन लोगों ने यहाँ पे काउंटर पे ही मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। वो बोल रहे थे कि आपने पासपोर्ट के साथ छेड़खानी की हुई है। मैंने बोला भाई मैं आया तो वीज़ा ऐसा था। वो एक्चुअली ऐसा था कि मैंने जब भी वीज़ा बनाने के लिए अपने ऑफिस में दिया, तभी जो हमारा वीज़ा डिपार्टमेंट है उसमें सारे थाई लोग काम करते हैं और उन लोग को पता नहीं था। तो वो पीछे का पेज उसको ऐसा लगा कि फटने वाला है, तो उन लोगों ने वहाँ पे टेप लगा दिया। लेकिन रूल्स के हिसाब से जो है आपको पासपोर्ट के अंदर ना तो कुछ लिख सकते हो अपने हिसाब से या ना ही तो आपको कुछ स्टिक कर सकते हो। तो ऐसा अपना इंडियन गवर्नमेंट का लॉ है, तो इस वजह से मेरे को अप्लाई नहीं करने दिया, तो इसलिए मेरे को वापस जाना पड़ा था। और मेरी टिकट भी वो गई, मेरे को 1 रुपया नहीं मिला उसका। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी उन लोगों को कि मैं जब भी आया तभी भी पासपोर्ट ऐसा ही था, लेकिन आने के टाइम तो मेरे को फ्लाई करने दिया और आज तक कभी ऐसा इश्यू नहीं आया। वो एक्चुअली टेप जो है वो 2-3 साल से लगी हुई थी, लेकिन कभी मेरा कोई इश्यू नहीं आया था। लेकिन उस दिन जो है मेरे को यहाँ से फ्लाई नहीं करने दिया, तो ये मेरा बहुत बड़ा बेकार सा एक्सपीरियंस था लास्ट टाइम। और अभी मैं वापस ये एयरपोर्ट पे आया हूँ और यहाँ से फ्लाई करने वाला हूँ। होपफुली इस बार कुछ तकलीफ़ ना आए और यहाँ से फ्लाई करने भी लो। इस बार तो पासपोर्ट भी चेंज हो गया, वो वैसा हुआ तभी मैंने पासपोर्ट जो है वो चेंज करवा दिया था। और इस बार तो मेरा कुछ 2रा-3रा पासपोर्ट है, तो इस बार तो इश्यू आना नहीं चाहिए। देखते हैं क्या होता है। काफ़ी सारे व्यूअर्स जो है वो नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो है पिछले 9 ईयर्स से बैंकॉक में ही रह रहा हूँ। तो मेरे पास वीज़ा वगैरह तो ऑलरेडी है, मेरे 2 साल का वर्क परमिट लगा हुआ है, तो 2 साल का वीज़ा अभी भी मेरे पास है। तो मेरे को वीज़ा लेने की ज़रूरत तो नहीं है। जब भी मैं आया तभी मैंने री एंट्री ले ली थी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वीज़ा की कोई चक्कर नहीं है। डायरेक्टली यहाँ से फ़्लाइट लेके वहाँ पे बैंकॉक में लैंड होना है, इमिग्रेशन क्लियर करना है और फिर डायरेक्ट जाना है अपने घर पे और वापस घर पे जाके फ्रेश होके डायरेक्ट जाना है ऑफिस में और काम पे लग जाना है। तो इस बार जैसे ही यहाँ अहमदाबाद से बैंकॉक पहुँचता हूँ, मैं आपको बैंकॉक का एयरपोर्ट भी दिखाऊँगा और वहाँ पे आपको कहाँ से ऑन अराइवल वीज़ा लेना है वो भी आपको दिखाऊंगा और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या चाहिए उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल तो पूरा डिटेल में वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की है, डॉक्यूमेंटेशन और कितना पैसा लगेगा, कितने दिन का वीज़ा मिलेगा, वो सारी डिटेल जो है वो मैंने वो वीडियो में शेयर की है। और वीज़ा का ऐसा है कि पहले जो है 15 दिन का वीज़ा मिलता था, अभी जो है वो इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा अराउंड 1 मंथ का मिलता है, लेकिन ये जो है वो चेंज होता रहता है। तो जनरली आपको जो है वो 15 दिन का थाईलैंड का वीज़ा मिलेगा ही, तो उसकी तो कुछ दिक्कत है नहीं। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए और कितनी फीस लगती है वो सब चीज़ें जाननी है, तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी छोटा है, इतना बड़ा है नहीं, अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे जो है वो खाने पीने की चीज़ें बाहर ज़्यादा मिलती है, अंदर की तरफ कुछ मिलता नहीं है। एक बार इमिग्रेशन क्लियर होगा तो उसके बाद देखते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं। तो अगर आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पे कभी भी आओ, अगर आपको कुछ खाना पीना लेना है तो आप बाहर इसके बाहर जो है वो 2-3 शॉप आई हुई है, तो वहाँ से लेके आई, नहीं तो फिर अगर आपका वेटिंग ज़्यादा रहा तो आप यहाँ पे भूखे मर जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं पानी के अलावा। तो इसलिए आप बाहर से थोड़े खाने पीने की चीज़ लेके आए। अहमदाबाद का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो नज़दीक में ही है, आप चल के भी जा सकते हो। तो अगर आपकी यहाँ से कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो आप यहाँ से चल के जा सकते हो, आप यहाँ पे किसी को भी पूछ सकते हो, तो आपको रास्ता बता देंगे। अंडरग्राउंड से होके जाना रहता है और नज़दीकी है, तो आपको यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, तो टैक्सी वगैरह रिक्शा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप चल के आराम से जा सकते हो। अराउंड 10 से 15 मिनट में आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे पहुँच जाओगे। यहाँ से सारी फ्लाइट का चेक इन होगा, ये सारे उनके काउंटर है, चेक इन काउंटर है, और वहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे इमिग्रेशन है। तो छोटा सा ये एयरपोर्ट, इतना बड़ा है नहीं, दिल्ली या तो मुंबई जैसा छोटा सा एयरपोर्ट है, ये आप देख सकते हो। छोटे से एयरपोर्ट के बेनिफिट ये है कि यहाँ पे इतना रश होता नहीं और आपकी बारी जो है वो जल्दी आ जाती है, लगेज देने में, चेक इन करने में और सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करने में, इमिग्रेशन करने में। तो ये एक यहाँ बेनिफिट होता है। बाकी जब मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पे आप जाते हो तो इतना रश होता है कि काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है इमिग्रेशन में, चेक इन में, तो काफ़ी लाइन रहती है। और अगर सामान वगैरह में कुछ ज़्यादा आ गया, कुछ दिक्कत आई तो वापस से वो सामान को कम करो और वापस से लाइन में लगो, तो ये सारी दिक्कतें वहाँ पे आती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सारी दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि इतने सारी पब्लिक रहती नहीं है, तो आराम से हम लोग चेक इन कर सकते हैं। और वेट का इश्यू आया तो भी फटाफट से सब क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर चेकिंग स्टार्ट हो गया, तो चलिए फटाक से चेकिंग करते हैं और फटाक से अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चेक इन वगैरह हो गया है, बोर्डिंग पास मिल गया है, 42J नंबर आया है। और अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे को खाने पीने की शॉप दिख रही है, तो इमिग्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत खाने पीने की शॉप को दिखेगी, तो यहाँ से अगर आपको खाना है तो आप खाना वगैरह खा सकते हो। और यहाँ पे एक लॉन्च भी है, तो अगर आपको लॉन्च का एक्सेस है तो आप लॉन्च में भी बैठ सकते हो। छोटा सा एयरपोर्ट है, यहाँ पर हमारा गेट नंबर 2 आया हुआ है, अभी जो है अपना नंबर आया नहीं है, अभी थोड़ा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये लोग चेकिंग चालू करेंगे। तो उसके बाद जाते हैं फ्लाइट में और खाना वाना खाते और मस्त खाना खा के सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, तो चलिए करते हैं बोर्डिंग। तो फ्रेंड्स, फाइनली 4.5 घंटे की जर्नी के बाद मैं बैंकॉक में पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे मैं आ गया हूँ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। आप देख सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है तो आप ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हो। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल का बोर्ड यहाँ पे मारा हुआ है। तो इस तरह 130 मीटर आप जाओगे तो वीज़ा ऑन अराइवल का डेस्क आएगा, तो वहाँ से जो है आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। और वीज़ा ऑन अराइवल लेने के बाद आपको इमिग्रेशन क्रॉस करके जो है बाहर निकल सकते हो। अभी वीज़ा ऑन अराइवल कैसे लेना है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसकी कितनी फ़ीस है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसलिए मैं ये वीडियो में वीज़ा ऑन अराइवल की डिटेल में बात नहीं करूँगा, तो चलिए जल्दी से जाते हैं और इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, लगेज लेते हैं, फिर निकलते हैं घर की ओर। तो फ्रेंड्स लगेज वगैरह ले लिया है, सब कस्टम वगैरह क्लियरेंस हो गया। अभी जो है यहाँ से मेरे को जाना है घर की ओर। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है। अगर आप भी आओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप होटल पे कैसे जाना चाहते हो। एक तो प्राइवेट टैक्सी है तो आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हो, अदरवाइज़ तो गवर्नमेंट की टैक्सी है, आप वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये बैनर मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट फ्लोर पे आपको जो है बस और जो टैक्सी रहती है यहाँ की लोकल वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको प्राइवेट टैक्सी करना है तो आपको यही फ्लोर पे मिल जाएगी प्राइवेट टैक्सी। यहाँ पे आपको काउंटर दिख जाएंगे तो आप वहाँ से प्राइवेट टैक्सी कर सकते हो, अदरवाइज़ फर्स्ट फ्लोर से जो जनरल टैक्सी आती है वो आप टैक्सी कर सकते हो। और एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एयरपोर्ट लिंक करके लिखा हुआ है, वो जो है वो MRT है यहाँ की। तो MRT का यूज़ करके भी आप बैंकॉक सिटी के अंदर जा सकते हो। जनरली तो हम लोग टैक्सी में ही जाते हैं, यहाँ की जो लोकल टैक्सी है फर्स्ट फ्लोर पे उसमें ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा रहता है इसलिए। लेकिन इस बार जो है मेरे पास सामान कम है इसलिए मैं यहाँ की MRT से जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ कि अगर आपको MRT से जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। तो अभी मैं नीचे भी फ्लोर पे उतर रहा हूँ। MRT लेने के लिए आपको एकदम लास्ट में जो बी फ्लोर है वहाँ पे उतरना पड़ेगा, वहाँ से आपको MRT मिलेगी। तो ये जो है वो फर्स्ट फ्लोर आ गया पब्लिक टैक्सी के लिए। तो पब्लिक टैक्सी आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर से ले सकते हो। और ये जो एयरपोर्ट रेल लिंक है वो बी फ्लोर से है। तो अभी मेरे को एक और फ्लोर नीचे उतरना पड़ेगा, बी फ्लोर में जाना पड़ेगा। देखो यहाँ से जो है वो एयरपोर्ट लिंक की MRT स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपको टिकट लेने के लिए ऐसे मशीन भी मिल जाएंगे और आगे टिकट का काउंटर भी है, तो आप वहाँ से काउंटर से भी टिकट ले सकते हो या तो फिर ये मशीन से भी ले सकते हो। ये पूरा बैंकॉक MRT और BRT का मैप है, आप देख सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पे इसका पूरा मैप दे दूंगा और नीचे लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके पूरा मैप देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे, मेरे को जाना है क्वीन सिरिकिट नेशनल कन्वर्जन सेंटर। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं क्वीन सिरिकिट कन्वर्जन सेंटर की ट्रेन लूँगा, लेकिन मेरे को यहाँ से ये मक्कासान से ट्रेन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ से ये लाकसोंग की ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो चलिए लेते हैं क्वीन सिरिकिट की टिकट। ये एयरपोर्ट लिंक की हम लोग मक्कासान तक ले सकते हैं टिकट। उसके बाद मक्कासान से मेरे को क्वीन सिरिकिट की लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने मक्कासान का क्लिक किया और मेरे को एक टिकट चाहिए, तो इसका 35 बाट आ गया। अभी मेरे को पैसा जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा, कॉइन है तो यहाँ पे डालना पड़ेगा और नोट्स है तो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। 40 बाट से तो 2020 की 2 नोट्स से डालता हूँ मैं। ये गई पहली नोट्स। अभी कितना बाकी रहा? अभी और ये गई दूसरी नोट। और यहाँ पे जो है मेरी टिकट आ गई। तो ऐसी कुछ इनकी MRT की टिकट आती है, ये आप देख सकते हो। ये सिंपली जो है वो वहाँ का जो मशीन रहता है वहाँ पे स्कैन करना है और आपको जो है बाद में जब एग्ज़िट हो गए तो ये वहाँ पे जमा हो जाएगा। पहली बार में स्कैन होगा, दूसरी बार में वहाँ पे जमा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे टिकट बारी भी है, तो आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हो। अभी हमने टिकट तो ले लिए, तो चलिए चलते। ये सिंपली इसको यहाँ पे स्कैन करते हैं और ये दरवाज़ा खुल गया और यहाँ पे स्कैन होगा और उसके बाद हम जाएंगे नीचे। देखो अब यहाँ पे अपनी ट्रेन आ गई है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अंदर। तो कुछ ऐसे दिखती है यहाँ की MRT, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे मक्कासान स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ। अभी मक्कासान से मेरे को एग्जिट लेना पड़ेगा और दूसरी ट्रेन के लिए वापस से एक और टिकट लेना पड़ेगा। एग्जिट लेते टाइम सिंपली जो आपको टिकट मिला है कॉइन उसको डाल देना है इसके अंदर और ये दरवाज़ा खुल जाएगा। अभी यहाँ से मेरे को जो है वो दूसरी ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। पे लिखा हुआ है स्काई वॉक टू MRT। पेचबुरी स्टेशन आएगा MRT का, तो MRT में जाने के लिए अपने को ये स्काई वॉक से जाना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे चलना पड़ेगा मेट्रो के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेचबुरी MRT स्टेशन पे मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे भी मशीन लगे हुए हैं, तो चलिए यहाँ से अपनी क्वीन सिरिकिट की टिकट लेते हैं और जाते हैं फिर MRT में। फिर क्वीन सिरिकिट की 19 बाट की टिकट है, तो यहाँ से मैंने ये 20 बाट डाला और ये यहाँ से अपनी टिकट आ गई। ये आ गई अपनी टिकट और ये आ गया बाकी का 1 बाट। तो चलिए अभी चलते हैं MRT में। अपनी ट्रेन आ गई है, लेकिन ये ट्रेन फुल है तो इसलिए थोड़ा सा रुकते हैं और दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और उसमें जाते हैं। तुरंत ये नेक्स्ट ट्रेन भी आ गई, लेकिन ये भी पूरी फुल दिख रही है क्योंकि रश आवर है, इसलिए ये देखो आप पूरी फुल है। ये भी देखते हैं अंदर जगह मिलती है तो जाते, नहीं तो नेक्स्ट ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। फाइनली क्वीन सिरिकिट स्टेशन पे पहुंच गए हैं, तो इधर ये कॉइन को जमा करते हैं और अपन निकलते हैं अपने रास्ते। फ्रेंड्स फाइनली मैं यहाँ पे क्वीन सिरिकिट MRT स्टेशन पे पहुँच गया हूँ और यहाँ से मैं जो है वो टैक्सी लूँगा। तो जनरली अगर हम लोग टैक्सी से आते हैं तो 300-350 बाट तो घर पे पहुँचने के लिए लगते ही है, और प्लस उनका जो वो टोल वगैरह रहता है उसका 75 बाट तक लगता है, और टैक्स रहते तो उनके हमको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े, तो अराउंड 550 तक तो हो ही जाता है। लेकिन अगर आप अकेले हो और अगर आपके पास इतना ज़्यादा सामान नहीं है तो आप मेरे जैसे एयरपोर्ट लिंक से MRT यूज़ करके आपकी डेस्टिनेशन पे जा सकते हो, तो उतना खर्चा आएगा नहीं। अभी मैं यहाँ से टैक्सी लूँगा तो उसका मुझे 50 बाट तक लगेगा। मेरा टोटल यहाँ पे जो है 54 बाट लगा, और यहाँ से अगर मैं टैक्सी लूँगा तो अराउंड मुझे 50 बाट में घर पहुँचा देगा वो। तो यहाँ पे मैं 104 बाट में जो है वो मेरे घर पे पहुँच जाऊँगा। कहाँ 550 बाट और कहाँ 104 बाट, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है और अगर आप अकेले हो तो आप ये एयरपोर्ट लिंक यूज़ करके बाद में MRT या तो BRT या तो BTS यूज़ करके जो है आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो। काफ़ी आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज करके भी आप वहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर वहाँ पे दे दूँगा। तो चलिए यहाँ से मैं टैक्सी पकड़ता हूँ और चलता हूँ मेरे घर की ओर, और ये वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि यहाँ से मैं घर पर जाऊँगा, फिर फ्रेश होऊंगा और फिर मेरे को जाना है ऑफिस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।